हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इस ड्रामे की आखिरी एपिसोड नंबर 16 है। आई नो आप मुझे पिछले ड्रामे की तरह इसमें भी सपोर्ट दिखाएंगे, तो प्लीज़ इतना ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके पुराने पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हो चैनल के थ्रू। तो आज वाले एपिसोड में कोंग वापस आ गई थी सादब से मिलने के बाद। वो बहुत ज़्यादा सैड थी और यहाँ पर वो ये बात रियलाइज़ करती है कि ये तीनों मतलब बहुत खुश थी और शायद भक्खा मकाई उसने उन तीनों की लाइफ बहुत ख़राब कर रखी थी। और यहाँ पर वो अपने कमरे में चली गई थी और वो सो रही थी, उसे अब रियलाइज़ होने लगा था। तो यहाँ पर नपला आके बोलते, क्या हुआ है, तुम बीमार हो क्या? तो यहाँ पर वो बोलते कि नहीं, मुझे पापा की याद आ रही थी। उसके बाद वो उसे गले लगाती है, लेकिन यहाँ पर प्ला बोलती है, मुझे बताओ सच्ची में कुछ बात छुपा रही हो क्या? तो यहाँ पर ना वो उसे सारी बातें बता देती है कि सथेब से उसने पैसे लिए थे उसे और टाई को दूर करने के लिए, और उस दिन उसे टाई को सीड्यूस करने के लिए जो मैं चली गई थी वो भी उसी का ही प्लान था। और अभी उन सब चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। साथ में पिन से मिलने गई थी और उस चक्कर में टैन की जान भी खतरे में आ गई थी। मतलब सारी चीज़ों के लिए वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी और उससे माफ़ी मांग रही थी। तो यहाँ पर प्ला भी अब इन्हें जाएगी ना, उसकी बहन के साथ कुछ हो तो वो बोलते कोई बात नहीं, बहनों बहनों में मतलब दो भाई बहन में कुछ भी हो सकता है, और अब तुम हम फिर भी हम फैमिली है, ये सब चीज़ें भूल जाओ। एंड देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है पिन से मिलने वाली बात ना टाई को मत बताना, ऐसा वो बोल देते हैं प्ला, क्योंकि उसे पता है ना उसका टाई कैसा है, कितना गर्म दिमाग वाला है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोंग को पसंद नहीं करता, अगर ये बात भी पता चलेगा तो वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन यहाँ पर ना टाई ये सारी चीज़ें सुन रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि टैन भी उसके कौन के चक्कर में अगवा तो हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना वो सत्य कुछ भी कर सकता है टाई के साथ, तुम दोनों को अलग करने के लिए बोल दिया था। तो यहाँ पर ना कोंग ने बोला था प्ला से मिलने गई थी, वो उसे पूछती कि तुम उसे प्यार करते हो ना, कितना प्यार करते हो? यहाँ पर सत्य बोलता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बोलती कि अगर तुम उसे प्यार करते हो तो मुझे कुछ रहने दे सकते हो? वो बोलता है हाँ। तो वो बोलती कि एक मेहरबानी करो मुझ पर, मेरे पति मेरे बेटे और मेरी बहन से दूर रहो, मैं टाई से बहुत प्यार करती हूँ, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। टाई को छोड़ के टाई को धोखा देकर तुम्हारे पास आने के लिए तो ये सब भूल जाओ। यहाँ पर वो बोला था कि तुम्हें क्या बोले, मुझे पता है किसने भटकाया है ना तुम्हें मेरे अगेंस्ट, मुझे पता है, बताओ किसने भटकाया है, ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर उसे समझा रही थी कि प्लीज़ तुम ये सब करना बंद करो, ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ख़राब हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहती ये सब हो जाए, बस टाई से दूर रहो। मैं ये तो सवाल पैदा होता ही नहीं कि मैं किसी भी कीमत पर टाई को छोड़ूंगी, टाई से मैं बहुत प्यार करती हूँ और ये बात मैं आखिरी बार कह रही हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर ना जो सदैव था वो उसे उस बोला था कि उसने तुम्हारी बहन से मिलकर तुम्हें चीट किया, तुम्हें याद है ना? तो यहाँ पर टाई आता है और वो बोलता है कि वाह वाह क्या सीन चल रहा है, और सदैव के पास आता है और वो बोलता है कि पता है तुम्हें ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था, क्या एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन ना तुम इंसान बड़े कमीने हो, सुलह के मामले में तुम ना हमेशा चुक जाते हो, मैंने लास्ट टाइम इतनी साफ साफ सबने कहा था, मेरी बेबी से दूर रहे, मेरे बच्चे से दूर रहे, फिर से आ गए मुँह उठा के बेशर्मों की तरह, ऐसा वो बोलता है। इन्हें यहाँ पर उसे जब गले के पकड़ रहा था ना तो वो बोलता कि अच्छा मुझे हाथ लगाओ ठीक है ना, ताकि पुलिस को सबूत दे सको कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत करके ट्राई किया है। इन्हें यहाँ पर टाई को प्ला रोकती है, बोलते प्लीज़ ऐसा मत करो, ये सब सीन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। टाई बोलता है लास्ट टाइम इसके बारे में मैंने साफ साफ कहा था, मैंने वार्निंग की थी कि मेरी बीबी से दूर रहे, लेकिन ये तो सुना ही नहीं, और अब तो मेरी फर्ज बनता है ना, इसने ऑलरेडी मेरी लाइफ को किस तरह से बना दिया है। वो बोला था ये सब झूठ बोला है, तुम्हें मेरे अगेंस्ट भटखरा है प्ला। तो यहाँ पर ना टाई सारी सच्चाई बता देता है कि उस एक्सीडेंट वाले दिन उसकी जान बच सकती थी, लेकिन यहाँ पर सत्यप ने उसे बचाया नहीं, उसे डूबने दिया था और उसके बाद उसके एक्सीडेंट हो गए थी। यहाँ पर वो बोला था नहीं नहीं प्ला ये सब झूठ है, मुझे तुम्हारे अगेंस्ट भटका रहा है, तुम्हें भटका रहा है। लेकिन यहाँ पर ना तभी होता क्या है ना, रूज आ जाता है, रूज आके बोलता है कि बिल्डिंग से गिराकर टाई को जलाने की ट्राई भी इसने किया था, और मैंने टाई को हॉस्पिटल पे ले गया था उस टाइम, और मैं सखुद गवाह उस वक्त का। और यहाँ पर ना वो बोलता है मैंने उस टाइम तुमसे झूठ बोला था, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम परेशान हो। यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं 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 तू झूठ बोल रहा है, सारे लोग मिलकर तुम्हें मेरे अगेंस्ट भटका रहे। यहाँ पर ना प्ला कुछ भी नहीं बोलती, और यहाँ पर सडनली टाई पे
सदीप अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दोनों में अच्छी वाली फाइट हो रही थी, सीरियसली बहुत प्यारी वाली फाइट थी। और यहाँ पर ना सदीप जमीन पर गिरा हुआ था और वो बोल रहा था कि तुम लोग क्या लगता है ये सब, तुम इतने आसान से यहाँ से चले जाओगे। एन देन यहाँ पर आ जाते हैं सदीप के गुंडे और यहाँ पर ना इतना हंसी आ रहा था ये वाले सीन। आप लोग भी मुझे बताओ कमेंट में कि सदीप क्या बोलता है। बस यहाँ पर मेरी वो मेरी बंदी है तो इससे कुछ मत करना, बाकी दोनों मार डालो, मतलब सीरियसली। और इसके बाद यहाँ पर अच्छी वाली फाइट हो गई थी। प्ला भी बहुत अच्छा फाइट करती है। यहाँ पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था लेकिन ना टाई को पीछे से एक बैट से मारता है सतीम और यहाँ पर टाई गिर गया था। दूसरी बार वो मारने वाला था सर पे, तो यहाँ पर ना प्ला देख लेती है। और अब प्ला के होते हुए उसके टाई को कोई कुछ करे ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, तो उससे ऐसे मारती है ना दो चार किक। यहाँ पर वो बोलता है कि प्ला और उसे फिर से मारती है। और यहाँ पर ये देखने में इतना अमेजिंग था ना, यहाँ पर वो बोलता है कि तुमने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे हट किया प्ला। तो यहाँ पर वो बोलती है कि जब बात दाई की आती है ना तो कोई अगर मगर नहीं। और उसके बाद सदीप कुछ कर नहीं पाता, उसे देखता ही रह जाता है। और यहाँ पर ना शायद अभी से रियलाइज होगा कि ये लड़की टाई से कितना प्यार करती है। उसके बाद ये लोग ना यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर और भी सीन होने वाला था लेकिन टाई ने बोल दिया था इससे ज़्यादा कुछ होगा तो तुम्हारा बस बहुत प्रॉब्लम में फंसेगा। नेक्स्ट सीन में मैं चली जाती हूँ सीधा सीधा। यहाँ पर ना जो सदीप की वाइफ थी वो मरी नहीं थी, वो उसकी उसका मिसकैरेज हो गया। तो यहाँ पर डॉक्टर को पता था स्लीपिंग टैबलेट ज़्यादा देने की वजह से मिसकैरेज हुआ है। रॉन्ग जाए ना सारी घुटनाओं के इंजाम अपने ऊपर ले लेती है क्योंकि अब वो तो पागल है, सतीप के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए इसी चक्कर में इस बार सतीप बच जाता है। लेकिन डॉक्टर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एंड देन घर पे जाने के बाद यहाँ पर ना टाई का सर बहुत पेन होता है और वो बेहोश। अब हम चलते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में। यहाँ पर चेकअप के बाद यहाँ पर टाई बोलता है अरे मुझे लगा था मेमोरी लॉस मेमोरी वापस आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मैं खुद ही भूल गया रूटीन चेकअप के लिए, इसीलिए सब हुआ था। तो यहाँ पर ना प्ला बोलती कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें चेक करना आना चाहिए था ना। और उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल से इधर आते हैं। यहाँ पर प्ला जो टैन था ना वो कोंग के साथ आया हुआ था। और यहाँ पर अभी भी ना टाई ने बताया नहीं कि उसे कुछ बड़ा इश्यू हो सकता है। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि घर वाला सीन जहाँ पर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था टाई और उससे पेन होता है। एंड देन वो ना ज़मीन पे गिर गया था, ये ना मतलब उसकी ग्लास टूट जाता है मतलब नीचे। और उसे ना यहाँ पर कोंग आके कुछ बोलती नहीं, कोंग को देखने में तो बोलता है प्ला। उसके बाद यहाँ पर जब कोंग बोलती है ना क्या हुआ है तुम्हें, तभी उसे रियलाइज होता है ये तो कोंग है। वो उसे पूछता है तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो, मेरे यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पर उसे आइडिया हो जाता है कि इसे दिखाई दे नहीं रहा। तो यहाँ पर ना वो जाके वो बोलते कि मैं जाके प्ला को बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि अगर तुम प्ला को बताओगी ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहूँगा। उसे बताने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि यहाँ पर टाई नहीं चाहता था कि प्ला परेशान हुए, मतलब इतनी बड़ी इश्यू है लेकिन अब तक उसने बताई नहीं थी। और यहाँ पर अब कोंग पता नहीं क्यों बेचारी रुक जाती है। अब हम सीन शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ना टाई ने बोला था कुछ बिजनेस मीटिंग बिजनेस इश्यू की वजह से उसे टाउन से बाहर जाना पड़ा है। और वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझा रहा था कि मैं नहीं रहूँगा तो मम्मा का अच्छे से ध्यान रखना है। और मतलब उसे ना ऐसा लग रहा था कि शायद ऑपरेशन होने के बाद उसकी जान ना बचे और प्ला मतलब उसके बगैर कैसे रहेगी। यहाँ पर प्ला को भी गले लगाता है और दिखने से ऐसा लग रहा था कि ये इसका आखिरी इमोशनल गुड बाय होगा क्योंकि बहुत परेशान था वो, बहुत सैड था। उसका जो पापा का जो लॉयल सेक्रेटरी था ना वो उसे लेने के लिए आया हुआ था। और अब तक ये बात आप लोग नोट करो कि टाई ने कुछ भी नहीं बताया प्ला को कि ताकि वो परेशान ना रहे, बस बेटे को बोला कि अब मम्मा का अच्छे से ध्यान रखो। एंड देन हमें यहाँ पर प्ला को दिखाया जाता है। प्ला मतलब वो थोड़ी सैड तो थी लेकिन बेचारी को पता नहीं तो क्या कर सकते हैं। टाई चला गया अपने ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर ना उसका जो सेक्रेटरी था वो बोला था कि सर आई थिंक मुझे प्ला को बताना चाहिए था आपको, लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर पता चलता है अगर ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा तो टाई ने ना दूसरा घर ले लिया है और वो वापस आने वाला नहीं था, वहीं पर रहने वाला था क्योंकि इस सिचुएशन में प्ला और टैन के लिए वो कोई बोझ बनना नहीं चाहता था। और यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी की इंसिस्ट करने के बावजूद भी वो साफ साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं उन दोनों को इतने हॉट और परेशान करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और बहुत सैड था टाई।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सीन। यहाँ पर ना कुंग बहुत परेशान थी, मतलब होता है ना कुछ बात छुपाओ तो हो ही जाता है आपके अंदर, और यहाँ पर कुंग अब बदल गई है तो उसने बोल दिया सच्चाई, और इसके बाद ला बहुत परेशान हो जाती है। चूहा को दिखाया जाता है, चूहा ओले एलिमेंट में था और यहाँ पर टाई पे उसने अटैक कर दिया था इस बार, और यहाँ पर इनको आइडिया नहीं किसने फिर से मतलब टाई के जान के पीछे कौन पड़ा है, ऑब्वियसली आप लोग तो गेस कर ही सकते हो सत्य। और यहाँ पर गाड़ी भगाते टाइम टाई को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है एंड देन शायद सीन शिफ्ट होता है फिर से हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है टाई को मिलने प्ला आई हुई थी, यहाँ पर प्ला बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया था, टाई की जान बचे या ना मतलब पता नहीं है, और टाई ने इतनी बड़ी बात अब तक उससे छुपाई है तो अब कहने के लिए तो ऐसे सुनने में नॉर्मल बात है लेकिन बहुत बड़ा इश्यू है ना। और यहाँ पर ना वो गुस्सा दिखा रही थी सेकंड जी को कि आप लोग मुझे कितनी बातें छुपा रही है, ये मेरा खुद का पति है लेकिन मुझे खुद पता नहीं है, आप मुझे कुछ भी मत छुपाइए, मुझे सारी सच्चाई बताइए। तो हमें लगता है शायद सेक्रेटरी ने सब कुछ बता दिया होगा, सेक्रेटरी नहीं बोलूँगी इसे क्या बोलना है मुझे पता नहीं। और सीन शिफ्ट होता है फिर से, यहाँ पर टाई से टाई को देख रही थी, टाई वेंटिलेटर पे था, उसके ऐसा सर्जरी हो गया होगा और प्लाप बहुत ज़्यादा टूटी हुई सी थी और वो उसे देख रही थी। हम चलते हैं अब एक और सीन पे, मैंने ना बहुत सारे सीन स्किप किए, डुआंगजा जेल पे की गई थी तो यहाँ पर ना वो उसे जाके बंदे ने पहले तो प्रपोज किया डुआंगजा को, मैं सोच रही हूँ ये क्या हो गया क्योंकि उसके जो वाइफ थी ना उसे उसका पिता लेकर चला गया क्योंकि उसके पिता को पता चल चुका है उसके बच्चे का मिसकैरेज उसके खुद के पति की वजह से हुआ है। यहाँ पर उसे प्रपोज करते हैं और उसके बाद बोलता है कि तुम बस ये बोलो कि उसके मिसकैरेज में बस तुम्हारा हाथ है, और वो सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। एंड देन हमें देखा जाता है चूहा, आपको याद है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, जो हॉस्पिटल में मिलने आया था, और एक थोड़ा सा फ्लैशबैक था जहाँ पर चूहा बता देता है कि तुम्हारे पति को कोई मारना चाहता था, और यहाँ पर उस दिन ड्रग रखने वाला भी डुआंग जाई थी, उसने ओए को रखने के लिए बोल दिया था। और उसके बाद ये लोग ना यहाँ पर टाई से भी मिलने आते हैं, तो अभी भी सत्य टाई को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहा है, और यहाँ पर चूहा को अपनी गलती कर ऐसा सोच चुका था, इसे वो कुछ गलत नहीं था बस सिचुएशन ने उसे गलत बना दिया था। नेक्स्ट सीन जहाँ पर सत्येप के पापा ठीक हो चुके थे, सत्येप अपने पापा से माफ़ी मांग रहा था, सेकेंडली देगा इस तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी यहाँ पर, और उसके पापा भी उसे माफ़ कर देते हैं। इन दिन बाप बेटे का एक दूसरे से माफ़ी मांगने का प्रक्रिया तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर वो उठ के अंदर जाने वाला था तभी कोई उसे शूट कर दिया। एंड या गाइज इस तरह से सत्येप की कहानी खत्म। तो हमें पता चलता है कि ली जो उसकी वाइफ के पापा थे उन्होंने उसे मरवा दिया था सीन। अब उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि ली पागलों की तरह हरकत कर रही थी और सारी सदैव सजाएं तो आ चुकी थी और वही बदला लेने के लिए उन्होंने अपने दामाद जी को ऊपर पहुँचा दिया। एंड देन सीन शिफ्ट अगेन, यहाँ पर दिखाया जाता है टाई को अपने बेटे के साथ, यहाँ पर ना वो उसे टाइम से पूछता है कि ग्रैंडपा कैसे थे, और उसके बाद वो बोलते कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, अगर ग्रैंडपा अब ये होते ना तो इसे तुम्हें गले नहीं लगाते, मतलब मुझे इस तरह से गले कभी उन्होंने लगाया नहीं लेकिन बहुत प्यार करते थे ऐसा वो बोला था। एंड देन यहाँ पर कोंग आती है, कोंग आने के बाद कोंग पहले तो सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती है। एंड देन हमें यहाँ पर पता चलता है जो फर्स्ट एपिसोड वाला सीन था ना उसके पापा ने उसे इंसिड नहीं किया था, वो तो खुद जाके उसके पापा के साथ मतलब उन्हें सीड्यूस कर लेती है एंड जो होने वाला था, तो बेसिकली उसके पापा ने कभी भी उनके बेटे को धोखा दिया नहीं था, और जब वो उसे छोड़ के चला गया था ना उनको तो उसके पापा ना हर वक्त बस उसका फोटो देखते रहते थे, बहुत रोते थे। यहाँ पर वो बोलते कि जब मैंने तुम्हारे पापा से शादी किया था ना तब भी मैंने रियलाइज़ किया था कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हर टाइम तुम्हें देखते रहते थे, तुम्हारी फोटो को तुम्हारी स्पेशल मेमोरी मोमेंट्स को कभी भी मिस नहीं करते थे। इंदिरा में दिखाया जाता है उस उनके कमरे में चला जाता है जहाँ पर ना उसके ग्रेजुएशन टाइम में ना वो वहाँ पर चले गए थे, बेसिकली होते ना कुछ ऐसे वाले पापा बहुत स्ट्रिक्ट लेकिन अंदर से कोई भी पापा या मम्मा अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता, हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं, बस होता क्या है ना उनके सामने वो प्यार दिखा नहीं पाते, तो इस तरह के थे उसके पापा। और वो ना ग्रेजुएशन के टाइम में बहुत प्राउड फील कर रही थी टाई के लिए और उन्होंने उस टाइम पे फोटो भी खींचा था, और देखो गाइस ये टाई इस टाइम पे भी कितना हैंडसम और क्यूट लग रहा है, मैं तो पागल हो रही हूँ इसको देख के। और यही वो ना बहुत ज़्यादा प्राउड थे, अभी टाई ना वो पुराने फ़ोन को फिर से बैटरी चार्ज करके वो देखता है और उसे इतना रोना रहा था। इंदिरा में दिखाया जाता है यहाँ पर प्ला थी, प्ला आने के बाद वो प्ला को गले लगाते हुए बहुत रोता है और वो बोलता है कि मैं बहुत खराब पिता हूँ, मैंने सब कुछ खराब किया, मेरी वजह से मेरे गुस्से की वजह से मैं अपने पापा के साथ नहीं रह पाया, पापा को इतना तकलीफ दी,
मैंने तुम्हें तकलीफ दी, ऐसा बोला था और वो बोलता है कि मेरी वजह से आज हमारा बेटा एक पिता के बगैर रहने वाला बन सकता था। मैंने तुम्हें आप मुझसे शादी करने के लिए फोर्स किया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, बोल के वो बहुत गिल्ट फील कर रहा था। वो बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है और बताए तुम्हारे चक्कर में, हाँ ये तो बात है कि मुझे अकेले रहना पड़ा था तुम्हारे चक्कर में, मुझे अपने बेटे को अकेले पालना पड़ रहा था। और उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो मुझे कंपेंसेट करने के लिए क्या करना चाहिए, बोल के उसे अपने पास करीब लाता है। तो मैं सोच रही हूँ इमोशनल सीन में थोड़ा सा रोमांटिक सीन कैसे आ जाता है, तो बोलती कि तुम फिर से शुरू हो गए। तो यहाँ पर ना वो उसे बोल रहा था कि नहीं मैं तो कंपेंसेट करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बोलती कि तुम अभी रिकवर नहीं हुए हो। तो यहाँ पर उसे बोल रहा था कि हाँ ये सब करने के लिए रिकवर होने की क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ। उसके बाद ना वो उसके गाल पे किस करने वाला था, उसके बाद वैसे आज ऐसे मारती है, तो उसे और क्या कर रही हूँ मैं, रिकवर हुआ नहीं, मैं अभी भी बीमार हूँ बोला था। और ऐसा ना ऐसा एक्ट करता है कि उसे सर पे बहुत पेन हो रहा है। यहाँ पर प्लान बोलते क्या हुआ है तुम ठीक हो, और उसके बाद यहाँ पर ना वो उसे जैसे तैसे फिर से किस कर लेता है। तो ये था टाइगर एक और ब्लैंड प्लान के करीब आने का है, ऐसे मोमेंट्स बहुत मिस होने वाले इस ड्रामे के बाद। और वो बोलता कि क्या कर रही हूँ मैं बीमार हूँ, तुमने मुझे मारा। वो बोलती कि तुम हो ही ऐसे मुझे परेशान करने के लिए, कुछ वक्त छोड़ते नहीं। और उसके बाद उसे गले लगाती है और इनका क्यूट सा मोमेंट्स एंड सीन नहीं अभी भी है, फिर मत करो। यहाँ पर पिन को दिखाया जाता है, शायद पिन अब रिकवर हो चुकी है, अब ऐसा दिखाया है। और यहाँ पर ना रोज ना उसका क्या था ना, वो आता था हर दिन आता था पिन को मिलने के लिए, लेकिन पिन ने कभी भी उसे रेस्पॉन्ड किया नहीं था, वो बस बातें कर रहा था पिन के साथ। और उसके बाद आज भी वो जाने वाला था और वो बोलता है कि मैं जल्दी आऊँगा, तुम अपना ध्यान रखो, बेचारा रोज के लिए बुरा लगता है। लेकिन इस टाइम जाने से पहले ना वो कुछ बोल नहीं रही थी, तो उसे ऐसा लगता है इस बार ही वही होगा जो हर टाइम होता था, हर वक्त मतलब उसे कुछ रेस्पॉन्स मिलता नहीं था, एक तरफा प्यार उसका शायद अधूरा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब रोज वहाँ से जाने वाला था ना, तो उसे बोलते कि रोज रुको। और यहाँ पर उस सुनने के बाद ना वो जो सिला रही थी उसको वो देने के लिए बोलते किसी को, यहाँ पर रोज बहुत खुश था, तो यहाँ पर बुआ जी को देने के लिए उसने बोल दिया था। तो यहाँ पर लेटर लिखा हुआ था, पिन ने ना सब कुछ बुला के आफ्टर लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है। और सबसे बड़ी बात, हर बार कोई सोचेगा कोई क्या बोलेगा ये सोच के वो पीछे नहीं रहेगी, इस बार वो जो चाहेगी वो करेगी, और मतलब होता है ना किसी के अंडर में नहीं रहेगी। और आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है बुआ जी, इसके लिए थैंक यू बोल के उसने लेटर लिखा हुआ था। सो अब ये सारी चीज़ें हो गई और यहाँ पर जो पिन थी अब रिकवर कर चुकी थी, टाई को भी उसने एक्सेप्ट किया था, मतलब अब तो भाई वाला एक्सेप्ट। हाँ आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना, बुआ जी को ये सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पिन ने फाइनली अपने अस्तित्व को स्वीकार किया था, मतलब जो है वो ही है ना, मतलब जो नहीं है उससे कैसे डील कर सकते हैं। और रोज और पिन का क्या होगा पता नहीं, जस्ट एक ऐसे ही छोड़ दिया है अरेंज के ऊपर। तो हम चलते हैं यहाँ पर, टाई और प्ला रूस से फ़ोन पे बातें कर रहे थे और यहाँ पर ना टाई और प्ला बोल रहे थे कि हम उससे मिलने के लिए आएंगे। और अभी पिन थोड़ी बेटर हो चुकी थी पहले से बहुत ज़्यादा, यहाँ पर दोनों ही उससे बात करते हैं। रूस बोलता है कि अभी वो ठीक है, बस जब वक्त मिलेगा तो मैं तुम दोनों से मिलने आ जाऊँगा। एंड देन वो लोग फ़ोन रखते हैं। यहाँ पर बोलते कि तुम आप रोज़ ना हमेशा एक ही तरह हो, प्ला बोलते कि ऐसे, तो बोलते कि तुम दोनों ना जगत माता बनने के लिए पड़े हुए हो हमेशा, दुनिया सारे लोगों की तो तुम्हें लेना है। तो यहाँ पर वो बोलते कि मुझे कभी कभी लगता था कि लोगों पर अपना डिसीजन थपा जा सकता है, जैसे कि मैंने इसी चक्कर में मतलब खुद के डिसीजन लेने की दूसरे के लिए डिसीजन लेती थी, इसी चक्कर में अपने बेटे की लाइफ इतनी ज़्यादा हेल्थ जैसे बना दी थी, ऐसा बोलती है। तो ऐसा बोलते कि ऐसे हम दोनों है ही एक ही जैसे, इसलिए तो कर्मा ने हम दोनों की एक ही साथ रख दिया, अलग किया फिर से वापस आ गए हम दोनों एक दूसरे के करीब, प्यार हुआ और अब हमारा प्यार ऐसा बेटा है, बोल के वो उसके बहुत करीब जाता है। वो उसे बोले थे कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई बेबी मैं करूँ, तो वो बोलता है कि लेकिन फिर भी हम अभी भी सक्सेसफुल हुए तो नहीं है ना, सीरियसली बहुत प्यारी तरीके से बोलता है। और उसके बाद बोल रही थी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो बोलता है कि वो मैटर करता है क्या, तुम्हें अभी ये सब चीज़ें रहने दो। एंड इनका रोमांस है, इतना प्यारा सा रोमांस, लेकिन रोमांस में नज़र लग गई तो ना गिर गए, अब लोकेशन गलत था तो गिरना तो था ही। तो यहाँ पर वो बोलती मैंने बोला था ना ये सही जगह नहीं है, वो उसे बोला था कि अरे ये सही जगह है, अगर हम यहाँ पर रहेंगे ना तो ट्विंस हो सकते हैं, लेकिन वो उसे ठीक करती है। एंड मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, वहाँ से चली जाती है, बेस्ट मोमेंट इन द ड्रामा। और उसके बाद टाई उसे बस देखता ही रह जाता है, भाई कितना प्यारा लग रहा था। एंड देन उसके पीछे पीछे वो चला गया था।
और यहाँ पर वो फ्लावर वाली एरिया थी और शायद ये पीन का फार्म हो सकता है। इनका रोमांस देख के यहाँ पर वो बोले थे कि लोग क्या बोलेंगे, तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर ना उन्होंने कहा रोमांस देख के यहाँ पर जो और कैसे वो बोलते कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ रोमांस कर सकते हैं। अब इसमें एबनॉर्मल कौन सी बात है, यहाँ पर टाइप बोलता है कि देखा ये लोग भी बोल रहे हैं कि हमारा रोमांस एबनॉर्मल नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर वो फ्लावर को देख के बोलते कि यहाँ पर ना एक क्यूपिड होना चाहिए था। यहाँ पर क्यूपिड मतलब आपको पता है क्यूपिड ऐसी चीज़ को बोलता है, बोलते हैं हम लोग जो दो लोगों में प्यार करवाता है, तो क्यूपिड का स्टैचू होता है ना, बहुत प्यारा लगता है, ऐसा वो बोल रही थी। और टाइप भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा छोटे से बेबी टैम ना क्यूपिड बन के आया हुआ था, सबको तीर मार रहा था और ये थोड़ा क्यूट सा मोमेंट था। और उसके बाद हम सीन को शिफ्ट करते हैं जहाँ पर ना वो पूछे अपने मम्मा पापा से पूछा था कि आप दोनों में क्यूपिड ने सबसे पहले वार किससे किया, तो यहाँ पर ना एक दूसरे को बोले थे तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे पापा को, तो यहाँ पर वो बोलता है कि आप दोनों में से प्यार एक दूसरे से पहले किसको हुआ था। तो यहाँ पर वही चीज़ें स्टार्ट हो गई थी जब पहले तुम्हारी मम्मा ने मैंने मुझे देखा था, लेकिन वो बोलती कि नहीं तुम्हारे पापा ने मुझसे पहले प्यार किया था, लेकिन शादी तो तुम्हारे पापा ने मुझसे करने के लिए ज़बरदस्ती शादी की थी। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलता कि मुझे लगता है ना तुम पहले जन्म से ही मुझसे प्यार करते होगे, फ्लैप बोल रही थी। और यहाँ पर वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे में हूँ ही बड़ा हैंडसम, तो कोई भी लड़की मुझ पर मर सकती है, ऐसा ही है, तुम्हारी मम्मा भी मुझसे पहली नज़र में प्यार कर बैठी थी। तो ऐसे करते करते सीन ऑफ हो गया। तो एक फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइब्रेरी में एक बुक था जो टाई लेने आ गया था, टाई वो बुक लेता है, वो स्कूल टाइम पे था। तो यहाँ पर ना वो बुक पे एक नोट था, वहाँ पर ना क्यूपिड का निशान था और वहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या तुम मेरे निशाने में आओगे, क्या तुम मेरे प्यार में पड़ोगे, क्या तुम मेरे बेटर हाफ बनोगे, मतलब क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। तो यहाँ पर ना उसे वो बड़ा क्यूट लगता है, तो वो यहाँ पर रिप्लाई करता है कि क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए, और वो वहाँ पर रख देता है, प्रा वापस आती है और वो बुक देखकर वो हंसती है और सोचती है किसने लिखा, इधर उधर देखती है और सोचती कि शायद चला गया। और उसके बाद यहाँ पर बाहर वो बैग लेके आई हुई थी और कोंग का फोन आता है, उसके बाद वो बारिश होने की वजह से वहाँ से भागने लगती है। तो पीछे पीछे टाई भी भाग रहा था, मतलब भाग के पीछे नहीं था, शायद इन दोनों का एक होना ना आज वाली बात नहीं, कल वाली बात नहीं, कोंग और टाई एक दूसरे से प्यार करते तब से नहीं, वो बहुत पहले से था, शायद ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली जानते भी नहीं होंगे तब से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे, ऐसा कुछ हमें इन दिखाया गया है। अब कन्फर्म तो नहीं बोलेंगे लेकिन इस तरह से ड्रामा एंड हुआ है। तो गाइस इस तरह से इतनी प्यारी सी स्टोरी के एंड हो गए, एंड मैं क्या बोलूँ, मुझे रोना आ रहा है। मुझे इस ड्रामे ने ना मेरे यूट्यूब चैनल को ना एक जी क्या बोलते हैं एक लाइफ दिया है, तो मेरे लिए तो ड्रामा बहुत स्पेशल रहेगा। मुझे आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ओवरऑल ये ड्रामा, मुझे तो बहुत पसंद आया। सीरियसली ऐसा ड्रामा ना कभी बन नहीं सकता, फाइव ड्रामा में ना या तो टॉक्सिसिटी होगा या फिर रिवेंज कुछ तो होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ था, मतलब ज़्यादा रिवेंजफुल नहीं, राजा टॉक्सिक नहीं, बहुत प्यारी सी स्टोरी के साथ साथ दीपी और खानिन का दूसरा ड्रामा भी खत्म हो गया। सो मैं इसका इन दोनों का पहला ड्रामा जो 2019 में आया है वो कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ प्लीज़ गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।